सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 13th अगस्त 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:09 हो रहे हैं. नया वीक शुरू हो रहा है. ये वीक काफी ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा होगा. सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन है इस वीक में. थर्सडे को छुट्टी आ रही है. फ्राइडे को हमने देखा था कि जबरदस्त अपसाइड मूव निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला था. इसका टेक्निकल सिग्नल हमने प्राइस चार्ट में, डेली चार्ट में आइडेंटिफाई किया था. पहले पिवट बार रिवर्सल पैटर्न देखा था, बाद में लाइन चार्ट में डबल बॉटम जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, ये फॉर्म होते हुए दिखा था. और उसी के हिसाब से हमें अपसाइड मूव का यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला. अभी फंडामेंटली देखें तो भी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि FPI के साथ सरकार मीटिंग कर रही है. जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनके साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रही है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है. लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है. लेकिन ये फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप है. इंटरनेशनली देखें तो US और चाइना के बीच में ट्रेड हॉ वॉर की जो स्थिति है वो कभी ज़्यादा हद से बाहर जा रही है तो कभी कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है. तो यहाँ पर ये ट्रेड वॉर की टेंशन से भारत को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा ये आने वाला वक्त ही बता सकता है. क्योंकि अगर दोनों में ट्रेड वॉर और आगे बढ़ता है तो जो रिक्वायरमेंट इंटरनेशनली क्रिएट होती है उसे फुलफिल करने के लिए क्या भारत में उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, क्या ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को भारत कंप्लीट कर सकता है या फिर नहीं, ये आने वाला समय बता सकता है. लेकिन अभी फिलहाल जो पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई है उससे हमें निफ्टी इंडेक्स में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है. तो आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. कल रिलायंस का भी AGM था, 42nd AGM था. तो उसमें एक बड़ी बात बाहर आई है कि उन्होंने कहा है कि 2021 तक कंपनी डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो सकती है. 2021 तक कर्ज मुक्त होना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है. और उसके आगे जो भी इनकम होगा वो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट होगा कंपनी का. तो ये काफ़ी एक बड़ी बात है. तो सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दें. ये एक पिक्चर है 9th अगस्त यानी फ्राइडे का आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. ब्रेकआउट लेवल हमारा फ्राइडे का बन रहा था 11,559 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,001. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी एग्जैक्ट इसके आसपास ओपन हुआ और यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ और आगे बढ़ने लगा. तो हमारे फर्स्ट टारगेट के यहाँ पर ही ये ओपन होता है. तो इसीलिए इस प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी. हालांकि लाइव मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडिंग करने के लिए. इस प्लान के अकॉर्डिंग फ्राइडे को कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं बन रही थी. तो ये था फ्राइडे का एनालिसिस. चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. US मार्केट और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो मंडे को लाल निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी सिर्फ हरे निशान में ट्रेड कर रहा है और निकेई चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 51 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है. तो इस समय SGX निफ्टी पॉजिटिव है, बाकी सभी ग्लोबल इंडेक्स इस समय निगेटिव मार्क में ट्रेड कर रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. ये है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट. जब ये फॉल आ रहा था यहाँ से तो हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था. तो इसका एक एक करके इसने ये लेवल को ब्रेक किया था 38.250% और 61.8% का ये जो लेवल है 10,806, इसी के पास 100 EMA का भी ये मूविंग एवरेज आ रहा था 100 EMA का. तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसने सपोर्ट ले लिया है. ये 50 और 61.8% का लेवल काफ़ी क्रूशियल होता है. जब भी फॉल आता है तो इन लेवल्स के यहाँ से एक बाउंस बैक, एक पुल बैक होने की उम्मीद रहती है. तो अभी यहाँ पर 10,800 जो कि 100 EMA के पास आ रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है. तो यहाँ से अभी ये अपसाइड मूव दिखा रहा है, पुल बैक दिखा रहा है. लास्ट वीक का ये कैंडल देखे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है. तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऊपर जाने की अगर कोशिश करता है
तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है, 50 EMA, ये अराउंड 11,212 के पास आ रहा है। तो यानी 11,200 ये यहाँ पर एक मेजर अभी पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ऊपर में ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 11,435 के पास आ रहा है। तो 11,450 यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे ये अराउंड 100 EMA जो है वो 10,760 के पास है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करे, इस टॉप और इस बॉटम को पकड़कर, ये यहाँ से इस टॉप और इस बॉटम को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं 50 ये में 11,200 के पास आ रहा है और ऊपर में 11,287 ये 38.2% का लेवल आ रहा है। तो ये यहाँ पर 11,287 ऑलमोस्ट 300 कर लेते हैं राउंड फिगर, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अभी इसने 23.6 का ये जो लेवल है ये यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव कर लिया, इसी के पास ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 11,200 और उसके बाद 11,287, ये दो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। ठीक है, ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये जो बुलिश सिग्नल बन रहा था ये 31 जुलाई से ही हमें यहाँ पर ये बुलिश सिग्नल मिल रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन में जो हायर हाई हायर लो का पैटर्न है वो यहाँ पर इन चार दिन नहीं बन रहा था। लेकिन हालांकि जो ये कैंडल्स बन रही थी ये हमें बुलिश सिम्टम्स यहाँ पर दिखा रही थी। एक स्ट्रांग बुलिश छोटा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, उसके बाद जो है बॉटम जब भी बनता था तो बुल्स मार्केट में आ जाते थे और ऊपर की तरफ आकर निफ्टी इंडेक्स क्लोज होता था और नीचे यहाँ पर टेल, काफी बड़ी टेल छोड़ी जाती थी। तो ये बुलिश सिम्टम्स हमें चार दिन से दिखाई दिए थे। बाद में यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ जो कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक बुलिश सिग्नल यहाँ पर देता है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे यहाँ पर ये पिवट बार रिवर्सल स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, इसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर था। तो यहाँ पर ये बुलिश सिग्नल्स मिल रहे थे और यहाँ पर ये कन्फर्मेशन मिल गया। कन्फर्मेशन मिलने के बाद इसने लाइन चार्ट में भी एक बुलिश पैटर्न बनाया जिसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। तो ये पैटर्न आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि एक सुपर अपसाइड मूव आता है, ये यहाँ पर है। और पास्ट में अभी मई के मंथ में भी ये बना था तो हमने देखा यहाँ पर जबरदस्त अपसाइड मूव आ गया था। तो अभी फिलहाल अगर ये अपसाइड मूव यहाँ से बरकरार रहनी है तो फर्स्ट तो डेली चार्ट, एज पर डेली चार्ट इसे 20 EMA को पार करना होगा जो कि अराउंड 11,195 के पास है, यानी ऑलमोस्ट 200 पकड़ लेते हैं। वीकली चार्ट में 50 EMA भी उसी लेवल के पास आ रहा है, तो 11,200 के ऊपर इसे डिसीजिव मूव सस्टेन होना पड़ेगा तो यहाँ से ये अपवर्ड रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो अभी फिलहाल फ्राइडे का अगर ये कैंडल देखें तो यहाँ पर दोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ऊपर में टेल छोड़ दिया यानी ऊपर के लेवल पे यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है ये फिर से यहाँ पे एक, अगर ये नीचे आता है तो जो डबल बॉटम पैटर्न बनाया था उसका नेक लाइन का सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो। ठीक है, और अभी फिलहाल अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो इसे तो पहला मेजर ये जो सपोर्ट अभी बन गया है 10,760 के पास, ये इसे ब्रेक करना होगा जो वीकली चार्ट में 100 EMA के पास आ रहा है। तो वो अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से ये एक्सटेंड हो सकता है डाउन साइड मूव, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो इसे 20 EMA जो है अराउंड 11,200 ये फर्स्ट हर्डल होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो यहाँ से और अपसाइड मूव एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फ्राइडे को यहाँ से इस लेवल से इसने ये टर्न दिखाया था, रिवर्स दिखाया था, इस लेवल के पास ये सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगर ये आज अगर इस R1 के लेवल को यानी अराउंड 11,173 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 11,197, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट यहाँ पर होगा 11,200
1.11 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो इसे ये बियरिश कैंडलस्टिक का ये जो लो है, यहाँ से ये जो फॉल आया था अभी, इसका ये जो लास्ट बियरिश कैंडल है इसका अगर लो ब्रेक करता है यानी 11,093 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 11,063, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये जो 20 ए में है, ये 8 अगस्त के क्लोज के पास ही आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा 11,032, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।